हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज करेंगे सिक्स क्लास की जो बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। और 6.2 और 6.1 हमने पहले ही कर ली है और उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी प्लेलिस्ट में। तो मेक श्योर कि इस वाली एक्सरसाइज को करने से कम आप 6.2 तो बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ नया हम जानेंगे ही नहीं। 6.2 में ही जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, वही हम 6.3 में यूज करेंगे। और जिसने 6.2 की जो वीडियो है वो अच्छे से देखी होगी, आई एम श्योर कि उसने तकरीबन ये पूरी एक्सरसाइज कर ली होगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जिसने कर ली है एक्सरसाइज वो क्रॉस चेक कर लेगा और जिसने नहीं की है वो समझ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट पे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करना है 20 में से क्या 15, या आप यूं कह लीजिए कि 15 माइनस करना है किससे, -20 से। तो -20 से जब हम -15 करेंगे तो -20 तो ये यहां से आ गया, और जो बीच में जो सब्ट्रैक्ट का साइन था वो हमने पुट कर दिया और यहां पर सिंपली आ गया क्या 15 आ गया। तो माइनस माइनस तो गाइस प्लस हो जाते हैं, तो 20 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35। लेकिन किस चीज का, माइनस का। क्यों माइनस का, माइनस का क्यों आया यहां पर 35, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होता है आंसर में साइन उसी का आता है। दोनों में से बड़ा कौन सा है 20, 20 के साथ साइन क्या है माइनस का, तो आंसर क्या हो गया माइनस का 35। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने प्लस वाले किए थे, बस फर्क इतना इसमें ये कि हम इसमें माइनस करना सीखेंगे, कंसेप्ट सारे वही हैं। -37 माइनस करना है कितने में से 37 से, यानी कि 37 में से क्या माइनस करना है -37। ये जो माइनस है ये क्वेश्चन के लिए आया है, जो सब्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन है, और ये -37 जो है ये डिजिट है जो यहां से आई है। अब देखिए ये 30, ये माइनस क्लैश होकर के क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 37 में 37 प्लस करेंगे तो सिंपली प्लस का 74 आंसर हो जाएगा, प्लस का 74 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जीरो में से 21 फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो में से 21 माइनस करना है, जीरो में से क्या माइनस करना है 21, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए जीरो में से 21 जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 21 ही आएगा, लेकिन किस चीज का, माइनस का। क्यों माइनस क्यों यहां पर, आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि यहां पर 21 जो है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 21 है, और 21 के साथ क्या है माइनस है, तो आंसर किस चीज का आएगा माइनस का आएगा। डी पार्ट देखते हैं, वेरी इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। -12 से क्वेश्चन है 23 फ्रॉम FROM -12, तो -12 इधर आ जाएगा, और जो ये वाला माइनस है ये क्वेश्चन के लिए हमने लगाया है, जो क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए -12 में से क्या माइनस करना है 23, तो माइनस माइनस तो हमको पता है प्लस हो जाता है, 23 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, लेकिन ये 35 जो है वो कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 23 और 12 में से क्या बड़ा है 23, और 23 के साथ किस चीज का साइन है गाइज माइनस का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 35। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे गाइज, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ए पार्ट करवाऊंगा और ई पार्ट करवाऊंगा, और बी सी और डी पार्ट जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, और ए और ई भी वैसे तो खुद से ही कर सकते हैं, पर फिर भी मैं करवा देता हूं आपको। ए पार्ट देखिए क्या बोलता है गाइस, इवेल्युएट करना है -5 -6 +9, तो देखिए माइनस है यहां पर, इस 6 के साथ क्या है प्लस है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो क्या है प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस जब ये हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे क्लैश हो जाएंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है गाइज माइनस होता है, और ये प्लस 9 तो एज इट इज आ जाएगा। अब बात करते हैं सिर्फ इन दोनों के बारे में, 9 को अभी के लिए छोड़ दो आप, भूल जाओ इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11 आएगा, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है 6, और 6 के साथ साइन क्या है माइनस का। और अब बात करते हैं प्लस 9 की, ये हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, तो माइनस प्लस गाइज क्या होता है माइनस होता है, तो 11 में से जब 9 जाएंगे तो क्या आएगा 2, और माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि दो बड़े के साथ जो साइन होता है वही हमारे आंसर के साथ साइन होता है, और बड़ा क्या है 11, और 11 के साथ साइन किस चीज का है माइनस का, तो आंसर क्या हो गया हमारा -2। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अब मैं आपको ई पार्ट और करवाऊंगा, और ई पार्ट का क्वेश्चन क्या है
50 माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 2। वेरी इजी क्वेश्चन है, 50 है ये माइनस इस माइनस से क्लैश होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर ये माइनस इस माइनस से क्लैश होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 50 प्लस 40 90, और 90 में जब हम 2 ऐड करेंगे सिंपली तो हमारा 92 आंसर आ जाएगा, 92 आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चंस थे गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एड -78, एड करना है -78 की चीज में टू द डिफरेंस ऑफ -56 एंड -89। -56 एंड -89 के डिफरेंस में हमको क्या प्लस करना है गाइज, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी है। बोलता है कि ऐड करो -78 को -56 और -89 के डिफरेंस में। तो -56 और -89, ये वाला माइनस है हमने डिफरेंस निकालने के लिए लगाया है, और ये तो -56 और -89 तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही था। तो -56 माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएंगे गाइज, प्लस हो जाएंगे। तो अब यहां पर एक माइनस है, यहां पर एक प्लस है, तो माइनस प्लस गाइज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब 89 में से जब 56 जब जाएगा, माइनस हम करेंगे तो क्या आएगा गाइज, 33। लेकिन किस चीज का 33, प्लस का 33, किस चीज का 33, प्लस का 33, क्योंकि बड़ा क्या है 89 है, और 89 के साथ किस चीज का साइन है गाइज, प्लस का साइन है। तो हमारे आंसर में भी क्या होगा, प्लस 33 होगा, या सिंपली हम इसको 33 भी लिख सकते हैं। और अब हम इसको इसमें क्या ऐड करना है, हमको माइनस का 78 ऐड करना है, माइनस का 78। इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये 78 के साथ है, मेन हमारा जो प्लस का साइन है वो यहां पे रहेगा, क्योंकि इसने बोला था ऐड करना है 78 इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकला था हमारा, 33। तो अब 33 है, ये एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है गाइज, माइनस हो जाता है। तो 78 में से जब हम 33 लेस करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, माइनस का 45। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, माइनस का 45। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बस इसमें सिंपली इस वाले को सोल्व करना है और इस वाले को सोल्व करना है, और साइन पुट कर देना है ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू का, जैसे हम पहले भी करते आए हैं छोटी क्लासेस में भी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए क्या क्वेश्चन है, यहां पर है -4 प्लस का -7, बीच में ब्लैंक है, यहां पर हमको साइन फिल करना है, -4 माइनस का -7। तो अब हम अपना एक रफ वर्क बना लेंगे, और रफ वर्क में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी, -4 प्लस -7, -4 एज इट इज रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस गाइज क्या हो जाता है, आप सभी को पता है माइनस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस गाइज प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 11। लेकिन किस चीज का, माइनस का, जी हाँ, किस चीज का आंसर आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस है। और अब बात करें अगर इसकी हम इधर वाले की, ये क्या है, -4 -7, -4 -7, तो -4 है ये वाला माइनस, इस वाले माइनस से जब क्लैश होगा, जब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस गाइज प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस गाइज क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 7 में से 4 जाएंगे, सिंपली क्या आंसर आएगा हमारा, 3 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 3, प्लस का। प्लस लगाने की वैसे जरूरत नहीं होती है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के साथ प्लस का साइन है। तो इस वाले से आंसर हमारा आता है -11, इधर ये जो था -11, यहां से हमारा क्या आंसर निकला, -11, और यहां से हमारा 3 निकला। तो -3 और 11 में तो अब आपको पता ही है कि क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये हमारा सिंपली 3 ये वाला आंसर हो जाएगा कि ये बड़ा है। ऐसे ही ये वाला बी वाला पार्ट भी आपको करना है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टीचिंग मेथड पसंद आया हो, या आपको कुछ कमी भी लग रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा रिफाइंड कंटेंट के साथ पढ़ाया जाए, एकदम प्रिसाइज पढ़ाया जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके अच्छे मार्क्स आए। और मेक श्योर गाइज कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है ना, और कुछ कंसेप्ट आपके पल्ले पड़ रहे हैं, या आपको होमवर्क करने में मदद मिल रही है, तो आप
चाहे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप मेरे रोज जो नई वीडियोज आती हैं उनको भी आप देख सकें। तो चलिए नई वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।